हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं मटन का अचार। हमने इसके लिए फ्रेशली कट 250 ग्राम्स ऑफ बोनलेस मटन लिया है, और स्पेशली इसके पीसेस जो है वो हम लेंगे टेंडर। जो टेंडिनस पीसेस रहते हैं, वो लेग पीसेस जो रहते हैं, वो हम बोन्स निकाल के इसके लिए यूज़ करेंगे। अभी हम ये इसको एक 15 मिनट के लिए कुकर में रखेंगे कुक करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही टेंडर है, इसलिए इसको कम समय के लिए हम कुकर में रख रहे हैं। अभी जो मटेरियल हम यूज़ करने वाले हैं मटन के अचार के लिए, तो वो हम आपको बताने जा रहे हैं। हमने ग्रीन चिलीज लिया है 10 से 12, मीडियम साइज चिली है, खूब ज़्यादा तीखी नहीं है, लेकिन आप अपने टेस्ट के अनुसार इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। 2 मीडियम साइज के लेमन लिया है, और एक 1 से 1.5 इंच का अदरक का पीस। ये जो हमने एक 250 ग्राम्स ऑफ मटन लिए थे अचार के लिए, उसके लिए 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक डाल के उसको अच्छी तरह से मिला लेंगे, और कुकर में कुक करने के लिए रखेंगे एक 15 मिनट के लिए। अभी ये देखिए, एक आयरन के कढ़ाई में हमने 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है, ये ग्राउंडनट ऑयल है। इसको गरम होने देंगे। ये ऑयल गरम हो गया है और हम इसमें अभी कटी हुई हरी मिर्च डाल रहे हैं। हरी मिर्च के साथ इसमें राई भी डाल दिए, और थोड़ा सा ज़्यादा इसको हरी मिर्च को तलने नहीं देना है, थोड़ा सा हल्का सा। जब ये ग्रीनी रहेगी पूरी, उसी समय हमको जो पीसेस है गोट मीट के वो डालना है, और उसके बाद इमीडिएटली गोट मीट के पीसेस डालने के बाद हम उसमें रेड चिली का पाउडर डाल दिए और अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डालना है। नमक डालने के बाद थोड़ा सा फिर से मिक्स करवा लेंगे इसको। ये अभी थोड़ा देर हम इसको फ्राई करवा लेंगे, और आप हरी मिर्च देख रहे हैं या ऐसे ही रहना चाहिए, तो इसमें अच्छा प्रेजेंटेशन को भी अच्छा दिखता है और टेस्ट भी बहुत अच्छी आएगी, स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। और अभी हम इसमें डाल रहे हैं कद्दूकस वाला अदरक। ये अभी ये अच्छी तरह से मिक्स कर लिया इसको, और हम अभी थोड़ा सा 1-2 मिनट इसको आँच पर रखेंगे, और उसके बाद जब पूरा पानी वेपराइज हो जाएगा उसके बाद इसको सर्व करने के लिए निकाल लेंगे, ग्लास के बाउल में निकाल लेंगे। अब हमने इसको गैस को बंद कर लिया, और अभी इसमें हम थोड़ा सा जो 2 लेमन लिए थे उसका रस निकाल के उसमें डाल रहे हैं, और अच्छी तरह से उसको मिक्स करेंगे। और ये देखिए, ये अभी हमारा मटन अचार सर्व करने के लिए रेडी है। बहुत अच्छा इसका प्रेजेंटेशन है, और ये आपको फ्रीज में रख के आप 7 दिन तक इसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो। बहुत टेस्टी हुआ है। थैंक यू।